इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ददरौल विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी जो है अरविंद सिंह वो जीत चुके हैं, 16,795 वोटों से जीते, ये हमारे पास सूचना पहुंची है, लेकिन अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। भाजपा के जिला अध्यक्ष केसी मिश्रा जी यहाँ पर पहुंचे, उनसे बात करेंगे। मिश्रा जी, ये बताइए कि जिस तरीके से एग्जिट पोल आया था, नतीजे हालांकि उससे उलट आए, लेकिन फिर भी बीजेपी को कुछ कामयाबी तो मिली, नुकसान भी हुआ यूपी में। भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब किसानों के लिए लगातार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी देवतुल्य कार्यकर्ताओं के दम पर हम लोग लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव दोनों जीते हैं। बात अगर की जाए शाहजहांपुर के पड़ोस की, जैसे कि लखीमपुर की सीट है, वहां पर आप हार गए हैं, बदायूं में भी अभी फाइट चल रही है। शाहजहांपुर में मैं रह रहा हूं, शाहजहांपुर की मेरे को जानकारी है, अन्य जगह की जानकारियां जैसी होगी वो सब आप लोगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी, होगा वो आप लोग सब खुद देख रहे हैं। शाहजहांपुर में हम दोनों सीटें हैं, विधानसभा की और लोकसभा की, जीत रहे हैं। शाहजहांपुर की भी बात की जाए, मार्जिन पिछले बार के मुकाबले 2019 के मुकाबले बहुत कम हो गया लोकसभा सीट। कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, हो सकता है कहीं पर कमी रह गई हो, उसको हम लोग सुधारेंगे मिलकर। तो हमारे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष केसी मिश्रा जी मौजूद थे, उनका कहना है कि शाहजहांपुर में हमने बेहतर परफॉर्मेंस की है, हालांकि शाहजहांपुर से जो लगा हुआ जिला है लखीमपुर खीरी, वहां पर भाजपा को नुकसान हुआ है। तो बात हम कर रहे थे ददरौल विधानसभा की, तो यहां पर भाजपा के जो हैं अरविंद सिंह वो यहां पर जीत गए हैं, 16,795 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। उनके मुकाबले पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे अवधेश वर्मा, उनको करीब 90,000 के करीब वोट मिले। वहीं सर्वेश चंद्र मिश्रा जो कि बीएसपी के कैंडिडेट थे, बहुत कम वोट, महज 20,742 वोट उनको यहां पर मिले। तो बात अरविंद सिंह की करें, मानवेंद्र सिंह उनके पिता जो पहले विधायक थे, उनके निधन के बाद बीजेपी ने एक बार उनसे कैंडिडेट उनको घोषित किया था, तो एक पिता के द्वारा जो तैयार किया हुआ फील्ड, और वे बहुत ही व्यवहारिक व्यक्ति थे, तो उनके बाद में सहानुभूति भी इनको मिली, सहानुभूति मिली, उसी के मुताबिक जो नतीजे आए हैं, तो 16,795 वोटों से यहाँ पर अरविंद सिंह जीते हैं, लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। शाहजहांपुर से सुमित सिंह के साथ सिमरनजीत सिंह।